पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर नाउन, नाउन यानी कि संज्ञा, संज्ञा क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। नाउन, ए नाउन इज ए वर्ड यूज्ड एज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस और थिंग। ठीक है, संज्ञा वह शब्द है जो व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान आदि के नाम के लिए प्रयोग होता है। यानी कि नाउन को पहचानना है तो कोई भी व्यक्ति का नाम हो, वस्तु का नाम हो या स्थान का नाम हो तो हम उसे नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे कार, पेन, स्कूल, टेबल, बुक, ये सभी चीज़ें नाउन कहलाती हैं यानी कि संज्ञा कहलाती हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ नाउन्स, संज्ञा के प्रकार। टाइप ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। संज्ञा कितने प्रकार की होती है अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट वाला जो संज्ञा का प्रकार होता है उसे हम बोलते हैं कॉमन नाउन, सी ओ डबल एम ओ एन, कॉमन नाउन। कॉमन नाउन किसे कहते हैं उसके बारे में जानेंगे। कॉमन नाउन इज ए नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी नॉन स्पेसिफिक थिंग। ठीक है, आम व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम जो होता है उसे हम कॉमन नाउन कहते हैं। मतलब इंग्लिश में जो कॉमन नाउन होता है उसका पहला अक्षर जो होता है वो छोटा होता है। आप ये दिमाग में डाल लीजिए कि कोई भी आम व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, उसको हम कॉमन नाउन कहते हैं। ठीक है, और कॉमन नाउन का पहला अक्षर छोटा होता है, यानी कि कॉमन नाउन्स बिगेंस विथ स्मॉल लेटर। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे पेन, कार, बुक, सबका फर्स्ट लेटर जो है स्मॉल है। ठीक है, बॉय एक्सेट्रा इटीसी, इसका पहला अक्षर तभी बड़ा हो सकता है जब वो वाक्य का पहला शब्द हो। मतलब कोई सेंटेंस है उसका जो पहला वर्ड है, जैसे कोई भी सेंटेंस है उसका पहला वर्ड अगर हुआ तो कॉमन नाउन का जो लेटर होगा वो पहला बड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ओके, सेकंड प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इज ए नेम गिवन टू ए स्पेसिफिक थिंग। पर्सन, प्लेस एंड ईटीसी। ओके, खास व्यक्ति, वस्तु, स्थान। प्रॉपर नाउन का मतलब ये हो गया कि कोई भी खास व्यक्ति हो या खास जगह हो या खास वस्तु हो उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं।
प्रॉपर नाउन का जो अंग्रेजी में कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं, ये दिमाग में आप डाल लीजिए। जैसे एक एग्जांपल लीजिए आप प्रॉपर नाउन का, जैसे मंडे लिखेंगे तो हम एम कैपिटल मंडे, ठीक है। जैसे हम इंडिया लिखेंगे तो आई कैपिटल इंडिया, अप्रैल लिखेंगे तो ए कैपिटल, ओके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये होती हैं प्रॉपर नाउन में, ठीक है। क्या होता है इसमें, कोई भी जो व्यक्ति हो या वस्तु हो या स्थान हो वो खास होना चाहिए, मतलब कि उसकी एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए कि भाई उस पता चल जाए कि हाँ ये चीज़ें फिक्स है या एक बहुत बड़ा आदमी है या बड़ी बहुत बड़ी जगह है। तो इसका कोई भी जो शब्द का पहला जो लेटर होगा वो बड़ा होगा, ठीक है, जिसे हम कहेंगे प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन कभी कभी कॉमन नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, या आप बार जब कभी भी आप सेंटेंस पढ़ेंगे उसमें आपको ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाएगी यहाँ पे कि प्रॉपर नाउन को भी हम कभी कभी कॉमन नाउन की जगह यूज कर लेते हैं, ठीक है। थर्ड होगा कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है? नाउन विच डिनोट ए, एक मिनट सॉरी, डिनोट ए ग्रुप ग्रुप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट्स कॉन्सेप्ट्स एज वन होल आर कलेक्टिव नाउन। व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का समूह जो एक नाम से जाना जाए वह कलेक्टिव नाउन होता है। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी स्थान हो, कोई भी वस्तु हो, ये सभी का एक समूह होगा तो उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। नाउन विच डिनोटेड ए ग्रुप ऑफ पर्सन ऑब्जेक्ट, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं फिर और भी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे आर्मी, आपको पता चल गया आर्मी का मतलब ये हो गया कि जितनी भी डिफेंस सिस्टम आ गई वो आर्मी के अंदर आ गई। फैमिली, फैमिली के अंदर परिवार, मतलब कितने लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। पार्लियामेंट, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर जितने भी सांसद हैं, ठीक है। तो ये आपको इससे पता चल गया कि एक समूह है, एक ग्रुप है ये, ठीक है, जिसे हमें पता चल गया। ओके, अब हम फोर्थ देखते हैं, कलेक्टिव नाउन के बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज usually the name of a quality, name of a quality, action or state, you cannot see, okay। तो abstract noun के बारे में जैसे हमने देखा कि abstract noun is usually the name of quality, action or state, you cannot see। अब विशेषता, स्थिति या क्रिया बताने वाले शब्द को abstract noun कहते हैं। कोई भी word है जिसको हम देख नहीं सकते, फील कर सकते हैं,
आप उसको देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, चख नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, ये वो वर्ड हैं जिसे हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब एग्जांपल लेंगे तो और भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, जैसे कि गुडनेस, ओके, ऑनेस्टी, ओके, युद्ध। ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ये वर्ड हैं लेकिन इसको हम बोलेंगे नहीं कि ये देखो ये ऑनेस्टी दिख रही है, ऑनेस्टी दिख रही है इसके अंदर, गुडनेस दिख रहा है इसके अंदर, ये युद्ध है, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम सुन नहीं सकते। मतलब हम इसको बस कि भाई ये है, ठीक है, तो ये हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। ओके, पांचवा, काउंटेबल नाउन। ओके, काउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड थिंग्स दैट वी कैन काउंट। मतलब काउंटेबल नाउन का मतलब हो गया कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसे हम गिन सकते हैं। काउंटेबल नाउन, नाउन आर द नेम, नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, पीपल एंड थिंग्स दैट वी कैन काउंट। ओके, व्यक्ति, वस्तु या स्थान जिसे हम गिन सकते हैं उसे हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे पेन, अब कितने पेन हैं आप काउंट कर सकते हो। कार, कितनी कार है आप काउंट कर सकते हो। कैट, कितनी बिल्लियां हैं वो आप काउंट कर सकते हो। कितनी काऊ है वो काउंट कर सकते हो। तो ये सभी काउंटेबल नाउन हो गए, ठीक है। नंबर सिक्स में आते हैं हम, अनकाउंटेबल नाउन। जस्ट काउंटेबल नाउन की अपोजिट होता है, इसमें होता है अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम ऑफ ऑब्जेक्ट, कॉन्सेप्ट, थिंग, ईटीसी विच वी कैन नॉट काउंट। हम इसे काउंट नहीं कर सकते। ऐसी वस्तु या स्थिति जिसे हम गिन ना सके उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कॉन्सेप्ट्स, थिंग्स, ईटीसी विच वी कैन नॉट काउंट। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं हम, जैसे अगर किसी ने बोला कि मिल्क, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते। वाटर, वाटर को भी आप काउंट नहीं कर सकते। इंग्लिश, इसको भी काउंट नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे वाक्य हैं जो काउंट नहीं किए जा सकते, उसे हम अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ओके, चलिए, इनके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे आपने नाउन नंबर सुना होगा, हम थोड़ा सा इसको स्टार लगा लेंगे। नाउन नंबर, तो ये क्या होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल, प्लूरल, ठीक है, सिंगुलर एंड प्लूरल। अब सिंगुलर क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं तो वह सिंगुलर हो जाता है। कोई भी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करोगे तो वह सिंगुलर हो जाएगा। कैसे, जैसे कंप्यूटर, चेयर, टेबल, ये सारे सिंगुलर हुए क्योंकि किसी एक के बारे में बात की जा रही है, व्यक्ति या वस्तु के बारे में ही बात की जा रही है, और ये एक वचन या सिंगुलर नंबर हम इन्हें कहते हैं, ठीक है। अब जैसे
प्लूरल किसको कहेंगे भाई? जब हम किसी एक से ज़्यादा वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात करें तो उसे हम प्लूरल नाउन कहेंगे। कैसे? एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन के अंदर बहुत सारे बच्चे आ गए, एक से ज़्यादा हो गए। एनिमल्स, एनिमल्स में बहुत सारे हो गए। एंड बुक्स, किताबें। तो इससे आपको पता चल गया कि ये जो नाउन नंबर होते हैं, सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल नाउन, उसमें हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको कोई भी जब नई वीडियोस पे अपलोड होगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, थैंक यू सो मच।